स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस आपके पास आ सकता है बेटा। देखिए इन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस द फोकस इज ओनली प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। मॉडलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इट आर डीएफडी फ्लो चार्ट द अप्रोच ऑल इज नॉट प्रेफर्ड। देखिए स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसके अंदर या वो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, या वो मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आप डाटा फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या फर्क है, तो आप बता सकते हैं। देखिए हम ये टॉपिक बेटा पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यूज केसेस पढ़ लिए थे हमने। ये देखिए ये हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो देखिए जरा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस कौन सा होता है जिसके अंदर आपके पास प्रोसीजर्स और प्रोसेस आ सकते हैं, फिर उसके अलावा वो मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आप डीएफटी डाटा फ्लो डायग्राम यूज कर सकते हैं और फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है जी, अब ठीक आ रही है? यस सर, वो दरमियान में आपकी कभी कभी कटने लग जाती है कुछ। ये अब ठीक है जी आप? अच्छा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसके अंदर आपके प्रोसीजर्स और प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं और वो मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके अंदर हम डीएफडी और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम ओल्ड अप्रोच या ओल्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करते। आगे मेरे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। बेटा इसके अंदर क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वेयर एज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस द फोकस इज मोर ऑन कैप्चरिंग द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन द करंट सिनेरियो दैट आर ऑफ इम्पोर्टेंस टू द सिस्टम। इट स्ट्रेसेस मोर ऑन डाटा स्ट्रक्चर एंड लेस प्रोसीजरल स्ट्रक्चर विदाउट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स व्हाट आर यू गोइंग टू इंटर विद एंड हूज स्टेट विल बी चेंज। In this approach, objects are identified, their relationships among each other, possible states that each object can be in, and finally how all objects collaborate with each other, achieve border with system goal are identified. अब इस चीज को बेटा ये समझें, जो structure होता है इसके अंदर आप modeling techniques use करते हैं like DFT and flowcharts. Object oriented analysis वो होता है जिसके अंदर आप real life examples को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसा सिनेरियो बन जाता है जिसके अंदर आप रियल लाइफ एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं। रियल लाइफ चीजों को जब आप लेकर आएंगे तो उसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कहलाएगा। क्लियर होगी बात? यस सर। जो रियल लाइफ चीजों के इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप अपनी डायग्रामिंग के अंदर रियल लाइफ चीजों का रियल लाइफ सिनेरियोस को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कहलाएगा। जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर या प्रोसीजर या मॉडलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे लाइक डीएफटी या फ्लो चार्ट, वो आपके पास स्ट्रक्चर कहलाएगा। आगे मेरे पास एक टॉपिक आता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एफडी एफडीडीडी एंड यूएमएल। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताएं एफडीडी का और यूएमएल का। देखिए जी एफडीडी क्या होता है, एफडीडी स्टैंड फॉर फंक्शनल डीकम्पोजिशन डायग्राम। फंक्शनल डीकम्पोजिशन डायग्राम, क्लियर? फंक्शनल डीकम्पोजिशन करस्पॉन्ड्स टू द वेरियस फंक्शनल रिलेशनशिप्स एज हाउ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स बिजनेस फंक्शंस वाज डेवलप्ड। इट मेनली फोकस ऑन हाउ ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज डेवलप्ड एंड इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। लार्ज और कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज आर मोर इजीली अंडरस्टूड व्हेन ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस यूजिंग फंक्शनल डीकम्पोजिशन। ये बेसिकली आपके पास डायग्रामिंग का एक सिनेरियो होता है फंक्शनल डीकम्पोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, आप फंक्शनल्स बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। इसके अंदर मेन फोकस इस चीज़ पे किया जाता है कि ओवरऑल फंक्शनैलिटी आपने कैसे डेवलप करनी है और उसको इंटरेक्ट कैसे करना है कंपोनेंट्स के साथ। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको मेन बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने ओवरऑल फंक्शनैलिटी को कैसे डेवलप करना है और उस फंक्शनैलिटी को आपने दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करवाना है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट उसने ये बताया है कि जो लार्ज कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ये लार्ज फंक्शनैलिटीज होती हैं,
उनको हम छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं इन टू स्मॉल पीसेज ऑफ फंक्शनल। इस चीज को डीकम्पोजिशन बोला जाता है। दोबारा समझ लें, FDDD बेसिकली क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप्स होता है। इसके अंदर बेसिक ये बताया जाता है कि आपने फंक्शंस को डेवलप कैसे करना है और डेवलप के बाद आपने उस फंक्शंस को इंटरेक्ट कैसे करवाना है कंपोनेंट्स के साथ। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, लार्ज कम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज को हम डिवाइड इनटू ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, जो स्मॉल पीसेज ऑफ फंक्शंस को जब हम बड़े फंक्शन को स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन बोला जाएगा। क्लियर माई पॉइंट? यस सर। अब आगे आ जाता है व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। फंक्शनल डीकम्पोजिशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एनालिसिस फेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फंक्शनल डीकम्पोजिशन डायग्राम एज पार्ट ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब हम प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब हम प्रोजेक्ट एनालिसिस की फेज पर होते हैं, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आप इंशाल्लाह 4 semester के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, आपका प्रोजेक्ट जब होगा तो उसके अंदर आप ये सारी डायग्रामिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, इनका मकसद क्या है पढ़ने का, कि आपने आगे 4 semester में ये डायग्राम्स बनानी है। जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी प्रोजेक्ट के सिनेरियो पर आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखाना होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कब होता है, जब आप प्रोजेक्ट एनालिसिस के फेज में होते हैं तो उस फेज के अंदर आपने फंक्शंस को बनाकर दिखाना है, जो आपके फंक्शंस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उन फंक्शंस की आपने डायग्राम बनाकर दिखानी है, फिर आपने उन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट बतानी है और उनको आपने कंपोनेंट्स के साथ लिंक करवाना है। क्लियर होगी बात? एक दूसरी बात, फंक्शनल डीकम्पोजिशन इज डन आफ्टर मीटिंग विद बिजनेस एनालिसिस एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। वही बात आ गई कि जो आपका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट के मुताबिक उसको जब मीट करेगा तो उसके मुताबिक आप फंक्शनल डीकम्पोजिशन को बनाएंगे और उसके मुताबिक आप इसका एनालिसिस करके दिखाएंगे। थर्ड पॉइंट, डीकम्पोज द फर्स्ट लेवल कंपोनेंट्स विद देयर फंक्शंस एंड कंटिन्यू डीकम्पोज टू लोअर लेवल यूनिट सफिशिएंट लेवल टू डिटेल इज अचीव्ड। जब आप डिकम्पोज करते हैं लेवल अपने कंपोनेंट्स को छोटे लेवल्स के अंदर, फिर आप उसको छोटे लेवल के अंदर जब लेकर आते हैं और उसको आप डिटेल उसकी अचीव कर लेते हैं। देखें डिटेल कैसे अचीव होती है, आपके पास एक फंक्शंस हैं, बड़े फंक्शन हैं, जब बड़े फंक्शंस को आप जब एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आपका टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, तो उसको आप क्या करेंगे, बड़े फंक्शंस को आप छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे, सब फंक्शंस बना देंगे, फिर आप उन सब फंक्शंस की फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी होगी आप उसको अच्छी तरह अचीव कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, परफॉर्म एन एंड टू एंड वॉक थ्रू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन एंड चेक ईच फंक्शन इज कंफर्म दैट इज करेक्ट। मतलब एंड टू एंड आप उसके साथ चेक में रहेंगे, जो बिजनेस का ऑपरेशन है या जो प्रोजेक्ट है उसके साथ आप लिंक करते रहेंगे, कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवाते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आपकी करेक्ट है। आप बेटा इसकी एग्जांपल ये देखते हैं, ये ज़रा इसकी एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बड़ा फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन स्कूल सिस्टम पे प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, अब जब आप उसकी FDDD डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले एक बड़ा फंक्शन आपके पास कौन सा आ गया, कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्या बोला था कि इसको हमने डिकम्पोज कर देना है। अब इसके अंदर बेटा क्या हुआ कि मैंने कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब फंक्शंस में डिकम्पोज कर दिया। ठीक हो गया, अब इसकी एक फंक्शनैलिटी थी, अब ये बाकी 3 फंक्शनैलिटीज और ऐड आ गई। अब कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास कोर्स इनरोलमेंट आ गई, कोर्स कंप्लीशन आ गई और कोर्स अटेंडेंस आ गई। ठीक है, अब मज़ीद हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो आगे ये और आ जाएगा। कोर्स इनरोलमेंट के अंदर कोर्स रजिस्ट्रेशन आ गई, उसकी पेमेंट आ गई, कोर्स कंप्लीशन के अंदर कोर्स असेसमेंट आ गई और कोर्स सर्टिफिकेशन आ गई। देखिए एक ये मेरे पास बड़ा फंक्शन था, मैंने उस फंक्शन को डिवाइड कर दिया सब फंक्शंस में और ये मैंने उसकी FDDD बना दी। क्लियर माई पॉइंट?
सर गुड हो गया। चलें जी मूव टू नेक्स्ट। अब आगे देखें बच्चे हमारे पास आ जाता है यूएमएल। पहले हमने पढ़ा था एफडीडी, अब आ गया यूएमएल। तो क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस करना है तो फिर आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। अब यूएमएल क्या होता है? यूएमएल बेसिकली आपके पास होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। और एफडीडी क्या होता है आपके पास? फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम। यूएमएल होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, पहला पैराग्राफ ये मैं आपको रीड कर देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। इसको समझाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। UML is a standard language for specifying, visualizing, constructing and documenting the artifacts of software system. UML was created by the object management group, जिसको OMG बोलते हैं, not oh my god, it's object management group. And UML 1.0 specification draft was proposed to the OMG in January 1997. It was initially started to capture the behavior of complex software and non-software system and how it was. Now it has become an OMG standard. This tutorial gives a complete understanding of UML. ये introduction था। आगे जरा हम check करते हैं इसमें काम क्या होता है। The elements are like components which can be associated different ways to make complete UML picture. इसके अंदर different elements होते हैं, ठीक है, different components होते हैं जिसको मिलाकर UML diagram बनती है, which is known as diagram. Thus, it is very important to understand the different diagram to implement knowledge of real life system. जो कि आप understand कर सकते हैं अपने real life system के साथ भी इसको interact कर सकते हैं. Any complex system is the best understood by making some kind of diagrams of our picture. कोई भी complex system आप देख लें, अगर आपने उसको समझना है तो आपको पहले उसकी diagrams बनानी होंगी. These diagrams have better impact on understanding. If we look around, we will realize that the diagrams are not a new concept but is used widely in the different form in different industries. ये कोई पुराना तरीकाकार नहीं है, अगर आप पीछे देखें तो ये कब से ये चलता आ रहा है. We prepare UML diagrams to understand the system in better and simple way. A single diagram is not enough to cover all aspects of system. UML defined various kind of diagram to cover of the aspects of system. You can also create your own set of diagrams to meet requirement. Diagram are generally made incremental iterative way. देखें जी, अब UML की डायग्राम्स हमारे पास कितनी आ जाती है? दो किस्म की हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं और बिहेवियरल डायग्राम्स हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम्स आपके पास कौन सी होती हैं? द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स रिप्रेजेंट द स्टैटिक इंपैक्ट ऑफ सिस्टम। द स्टैटिक एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट दोज पार्ट्स ऑफ डायग्राम विच फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर स्टेबल। ये बेसिकली उस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अब आपके पास स्ट्रक्चर डायग्राम्स कौन कौन सी आ जाती हैं? क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड डिप्लॉय डायग्राम। बेटा ये जितनी डायग्राम्स हम पढ़ रहे हैं ना, चार ये हो गई, एक एफडीडी वाली, ये सारी हमने करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा है? क्लास डायग्राम आ गई, ऑब्जेक्ट डायग्राम आ गई, कंपोनेंट डायग्राम आ गई और डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ गई। ये हम जब डायग्राम अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो हम ये सारी साथ साथ करेंगे कि कैसे इनको बनाते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी रीड करवा रहा हूँ क्योंकि जब नेक्स्ट कल हम बनाएंगे तो आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, इसको गौर से सुने। अब क्लास डायग्राम के अंदर क्या होता है? क्लास डायग्राम आर द मोस्ट कॉमन डायग्राम यूज इन UML. क्लास डायग्राम कंसिस्ट ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, एसोसिएशन एंड कोलैबोरेशंस। अब क्लास डायग्राम के अंदर ये आपकी UML के अंदर इस्तेमाल होती है। क्लास डायग्राम कंसिस्ट करती है जिसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, इंटरफेसेस बनाते हैं और एसोसिएशंस और कोलैबोरेशंस उसकी बनाते हैं। क्लास डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू ऑफ सिस्टम विद स्टैटिक इन नेचर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है बेटा? मैंने अभी पहले बताया था, जल्दी बताया मुझे जी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्यू? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम
लोग मतलब उस पे रियल लाइफ एग्जांपल और मतलब जी जो हम रियल लाइफ उसके अंदर हम रियल लाइफ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आ जाता है। आगे मेरे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इंटरफेस और इंटेंस ऑफ क्लास डायग्राम। ये क्या है? क्लास डायग्राम की एक इंटेंस है। इंटेंस क्या होता है बेटा? व्हाट इज इंटेंस? ये आपने जावा के अंदर पढ़ा हुआ होगा। जी बोलें जरा। अरबी जी बताएं। दो वीक से तो पढ़ी नहीं है सर, किसी और से पूछ रहा हूँ। जी इंटेंस बेटा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। जो आप क्लास बनाते हैं उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका इंटेंस कहलाएगा। ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटेंस ऑफ क्लास डायग्राम, दस दिस डायग्राम आर मोर क्लोज टू रियल लाइफ सिनेरियोस वेयर वी इंप्लीमेंट अ सिस्टम। समझ आ गई बात की? आगे ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स is just like a class diagram, they also represent in static view of system. The usage of object diagram is similar class diagram, but they are used to build prototype of a system from the practical perspectives. Dekhen jaise class diagram banate hain almost takriban same waise hi object diagram banti hai, lekin class ke andar hum use kar rahe hote hain interfaces, classes aur associations, jabki object ke andar hum instances ko use kar rahe hote hain us class ke. क्लियर होगी बात? आगे आ जाता है जी कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है? ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंटेंस ऑफ क्लास डायग्राम, दस दिस डायग्राम आर मोर क्लोज रियल लाइफ वेयर वी इंप्लीमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आर सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, सॉरी वो पुराना पढ़ा था। कंपोनेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। आप भी सोए हुए हैं मेरे ख्याल में। कंपोनेंट डायग्राम रिप्रेजेंट सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। कंपोनेंट डायग्राम्स कंपोनेंट्स होते हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं। दिस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ क्लासेस इंटरफेस कोलैबोरेशंस डायग्राम ड्यूरिंग द स्पेस सॉफ्टवेयर क्लासेस। देखिए जी कंपोनेंट्स डायग्राम के अंदर हम क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनका रिलेशनशिप्स बना कर दे रहे होते हैं। ये बस अपना समझना है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होती है बेटा? डिप्लॉयमेंट डायग्राम सेट ऑफ नोड्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसके अंदर क्या होता है? वो सेट ऑफ क्लासेस था, ये सेट ऑफ नोड्स है। दीज नोड्स आर फिजिकल एंटिटीज वेयर द कंपोनेंट आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयमेंट डायग्राम आर यूज फॉर विजुलाइजिंग द डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ सिस्टम, दिस इज जनरली यूज बाय द डिप्लॉयमेंट एटम। देखें जी ये सेट ऑफ नोड्स एंड रिलेशनशिप्स था, वो सेट ऑफ क्लासेस है बेटा। बाकी आपने ये नोट इसको खुद रीड कर लेना है, मैं आपको जरा एक दफ़ा ओवरव्यू इसका दे दूं। अच्छा बिहेवियर डायग्राम्स कौन कौन से होते हैं जिसके पास? यूज केस डायग्राम जो अभी हमने कल की थी वो कौन सी थी? यूज केस डायग्राम थी। वो आपकी किस में आती है? बिहेवियर डायग्राम में आती है। ठीक है क्लियर? yes, ये सीक्वेंस डायग्राम आ जाती है, कोलैबोरेशन डायग्राम आ जाती है, स्टेट चार्ट डायग्राम आ जाती है और एक्टिविटी डायग्राम आ जाती है। ये सारी बेटा आपकी डायग्राम्स हैं। अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। इसको बेटा आपने रीड कर लेना है जब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला वेडनेसडे या थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी, हमारे लेक्चर भी ज़्यादा होंगे, उसके अंदर जरा हम डीपली इन डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ज़रा दो किस्म की डायग्राम्स होती हैं आपके पास। एक होती है एफ डी 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 और दूसरी आपके पास होती है UML। ठीक है अब हमने ये दोनों करनी है। FDD के अंदर आपके पास फ्लो चार्ट आ जाता है और DFD आ जाती है। ठीक है ये हमने DFD भी करनी है और फ्लो चार्ट भी करना है। ये आपके पास FDD आ गई, इसके अंदर फ्लो चार्ट भी होगा, DFD भी होगी। UML के अंदर दो किस्म की आ जाती है, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। स्ट्रक्चर के अंदर क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ जाती है। जबकि बिहेवियर के अंदर आपके पास यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम और स्टेट चार्ट डायग्राम आ जाती है।
और एक्टिविटी डायग्राम्स आ जाती हैं। बेटा आपने इन डायग्राम्स को रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डीएफटी डायग्राम को पढ़ेंगे, जो हमारी एफटीडी की फर्स्ट डायग्राम है, ठीक हो गया। फिर हम इसको समझेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है। ये मैं नोट्स आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। यस सर। ठीक है, पीछे हमारे पास रह जाता है अभी, आप बेटा इसकी ज़रा असाइनमेंट ज़रा लिख लें, आसानी होगी आपको भी और मुझे भी। जी असाइनमेंट ये है बेटा, बाकी क्लासेस का सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है? सर ऊपर सर उधर तक कर दिया है, मतलब उसके सारे पिलर्स वगैरह कर लिए, एब्स्ट्रैक्ट वो पेपर क्लासेस से आगे थोड़ा सा कर लिया, और ऑपरेटिंग एल्गोरिथम तक है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे ख्याल में 3 चैप्टर हो गए सर, उसकी क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा रखे सर, क्योंकि सर स्टूडेंट क्लासेस भी नहीं पहले ले रहे थे, फिर बाद में सर ने हमें आईएलएम वालों के साथ दिया, तब वो हमारा जाके क्लियर हुआ। कई हमारे स्टूडेंट तो क्लास लेते ही नहीं, वो जो क्या नाम है उसका, क्या मैं आपको बोल रहा था, एल्गो का भी सब्जेक्ट है आपका? शायद नहीं है उसका। अच्छा सर मल्टीमीडिया का है। अच्छा बेटा आपने जो नेक्स्ट वीक में मुझे असाइनमेंट देनी है वो ये है कि फर्स्ट जनरेशन एनालॉग, सेकंड जनरेशन सीडीएमए, थर्ड जनरेशन सिस्टम और फोर्थ जनरेशन सिस्टम, ये आपने बेटा मुझे हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है, सबमिट करवानी है। इसको याद भी करना है और समझना भी है और पढ़ना भी है। ये जो मैं नोट्स आपको भेज रहा हूँ ना, स्लाइड्स भेज रहा हूँ, उसके अंदर ये सारी एक्सप्लेन हुई हुई हैं तीनों चीज़ें। सिर्फ आपने क्या काम करना है, स्लाइड्स को पहले पढ़ना है, फिर आपने खुद सर्च करना है, फिर आपने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखने हैं, फिर आपने अपनी जबान में जो आपको समझ आया वो मुझे आपने सबमिट करवा देना है। यस सर, यही जो आपने समझ आ गई मेरी बात की आपको? सर आ गए। आप इन डायग्राम्स को बेटा रीड करें ज़रा, मैं आपके आपको सेंड कर देता हूँ ये, आप इसको रीड करें। ये आपके पास शेयर है ना, ये ज़रा रीड करें इसको। यस सर आ रहे हैं, इसको ज़रा रीड करें आप।
असाइनमेंट मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, मैं आपको भी नोट्स भी सेंड कर देता हूँ। जी ये चीज़ें मैंने सेंड कर दी हैं। जी अब रीड कर लें इसको। सर जी, हमें सारी वीडियोस कब मिलनी है? कल आके मेरे घर से ले जाए। सर आप कब तक लिंक बना रहे हैं? आपका सबसे बंदा हो, पर आपके अलावा उधर से हमें कहीं से समझ नहीं आ रहा। सर जी वो असल में ये है कि सारी सब कुछ ऐसा मिक्स हो रहा है ना, तो अगर आप एक लिंक पे अपने सारे नोट्स रख दें, वो जो मतलब था मेरे लैपटॉप में तो उसकी विंडो हो गई है, अगर आप एक लिंक पे अपने सारे नोट्स रख दें तो। बच्चे मुझे फ्री होने दो, मैं कर दूंगा सारा कुछ। जी सर। और सर जी प्लीज चैप्टर वाइज टेस्ट लीजिएगा। जी बेहतर है। और कुछ नहीं सर जी, थैंक यू। चलें शुक्र जी। और कोई क्यूरी है किसी की? नो सर कोई क्यूरी। अब ये दीपा ये ना क्या देना सर जी, गर्मी लग रही है सर। आज नहीं, आज दो दो पंखे लगा के बैठी हूँ, फिल्टर ना करना। सर गर्मी तो आपको भी लग रही थी, तभी बकरवार भूल के वीरबल कह रहे थे। नहीं मुझे पता नहीं था आपका घर किधर है। जिस दिन आप इनवाइट करेंगी ना, उस दिन फिर सही याद रहेगा। जी बेटा कर देंगे।